अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ क्रिस्पी बोंबिल फ्राई की रेसिपी। इस बोंबिल को किस तरह से क्लीन किया जाता है, इसे डीबोन किस तरह से किया जाता है, इसका वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करें। गाइस, जो मैंने बोंबिल को डीबोन किया था उनका पानी निकालना ज़रूरी होता है, वरना वो क्रिस्पी नहीं बनते हैं। तो बोंबिल का पानी किस तरह से निकाला जाता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है, अगर आप वॉश बेसिन में डायरेक्टली कर रहे हो तो वहाँ पर इस तरह से बर्तन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी वहाँ डायरेक्ट बह जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं इस तरह से एक बर्तन ले रही हूँ, ये देखिए, इस तरह से मैं इसमें एक प्लेट रखूँगी और उस पर हम जो डीबोन किए बोंबिल है उन्हें इस तरह से फैला के रखेंगे। अच्छे तरह से इन्हें फैलाए ज़रूर, ये देखिए इस तरह से। और इस पर हम दूसरी एक प्लेट रखेंगे, ये देखिए इस तरह से प्लेन प्लेट रखे। अगर आपके पास आप सिलबट्टा है तो आप इस पर सिलबट्टा रख सकते हैं, लेकिन सबके घर में सिलबट्टा अवेलेबल नहीं है तो इस पर सिर्फ वज़न रखना ज़रूरी होता है। तो मैं इस तरह से पानी का जो बर्तन होता है उसमें पानी फुल मैंने भर लिया है और इस पर मैंने ये वज़न के तौर पर रख दिया है। पानी भरा हुआ बर्तन मैं इस पर रखूंगी वज़न के लिए, ताकि इसके वज़न से प्रेस होकर उसमें से बोंबिल में से पानी पूरा निकल जाए। ये देखिए, थोड़ी देर बाद ही इसमें से पानी निकलना शुरू हो गया है। इसे हमने कम से कम आधा घंटा तभी रखना चाहिए जिससे इसका पूरा पानी निकल जाए। ये देखिए, बोंबिल में से पानी पूरी तरह निकल चुका है। ये बिल्कुल देखिए इस तरह से लगती है पानी निकलने के बाद। अब हम इस पर सब मसाले लगाएंगे। सबसे पहले हम हल्दी पाउडर लगाएंगे। हल्दी पाउडर को इस पर अच्छी तरह से मसल ले, ये देखिए इस तरह से। मैं इस पर पेस्ट बना के नहीं लगा रही हूँ, डायरेक्टली मसाले लगा रही हूँ, क्योंकि पेस्ट बनाएंगे तो इसमें फिर से पानी अंदर चला जाएगा, मॉइस्चर चला जाएगा, इसीलिए मैं सूखे मसाले इस पर डायरेक्ट रब कर रही हूँ। दोनों तरफ से इसे अच्छी तरह से हम हल्दी लगा लेंगे। इसके बाद हम इस पर लगाएंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, या फिर आपके पास जो भी मिर्ची पाउडर अवेलेबल है वो लगाएं। मैंने इसमें थोड़ा सा घर का मसाला भी मिक्स कर लिया है ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से आ सके। देखिए, पूरी तरह से इसे अच्छे से फैला के लगाएंगे हम। एक तरफ से इसे हमने पूरी तरह से कोट कर लिया है मसाले से, अब दूसरी तरफ भी इसके ऊपर मिर्ची पाउडर बचा हुआ जो है वो हम डालकर अच्छी तरह से रब कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से डालें पूरी तरह फैलाकर और हाथों से इसे अच्छी तरह से मसल लेंगे। अब हम इस पर लगाएंगे क्रश किया हुआ लहसुन। लहसुन को भी हमें अच्छी तरह से इस पर रब करना है। हाथों से अच्छी तरह से इस पर हम इस तरह से मसल लेंगे। ये देखिए, एक तरफ से मैं लगाकर दूसरी साइड पर भी हम क्रश किया हुआ लहसुन अच्छी तरह से कोट कर लेंगे इस पर। ये देखिए, अब हम इस पर डालेंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार लें। नमक को भी इस पर हम अच्छी तरह से मसल लेंगे। दोनों तरफ से हम इस पर लगा लेंगे नमक। ये देखिए, मैंने मसालों को इस पर अच्छी तरह से रब कर लिया है। अब हम इसे चावल के आटे से कोट कर लेंगे। तो चलिए दे लेते हैं हम अभी यहाँ पर चावल का आटा। ये देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने चावल का आटा लिया है। अगर आपके पास चावल का आटा अवेलेबल नहीं है तो आप सूजी और उसमें थोड़ा सा बेसन मिक्स करके वो यहाँ पर ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं है आपके पास तो आपके पास अगर गेहूं का आटा है तो उसे भी आप कोटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने चावल का आटा लिया है। तो चलिए दिखाती हूँ। चावल के आटे को हम इस तरह से पहले फैला लेंगे अच्छी तरह से, ये देखिए। और इस पर हम ये जो फिश है मसाले से मैरिनेट किया हुआ है, इस फिश को हम इस पर रख लेंगे। इसका मसाला जो है वो देखिए इसमें प्लेट्स में थोड़ा लग गया है, उसे भी हम लेकर उस पर रब कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ऊपर से हम इसे लगा लेंगे।
चारों तरफ अच्छी तरह से लगा लेंगे। इसे अच्छी तरह से रब करने के बाद में इसे हम ऊपर से थोड़ा प्रेस करेंगे। ये देखिए, इसे अच्छी तरह से प्रेस करेंगे हम और फिर इसे पलटा लेंगे ताकि दोनों तरफ से ये कोटिंग है वो अच्छी तरह से लग सके इस पर। देखिए, और जहाँ जहाँ ये आटा नहीं लगा है उस पर हम थोड़ा सा आटा उठाकर इस तरह से डालकर प्रेस कर लेंगे ताकि चारों तरफ से इस पर आटे की कोटिंग अच्छी तरह से हो सके। ये देखिए गाइस, इसे मैंने अच्छी तरह से कोट कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरे फिश को भी कोट कर लेंगे। ये देखिए गाइस, मैंने इसे पूरी तरह से कोट कर लिया अच्छे से, और इसका जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हमें अच्छी तरह से झटक लेना है। इसे आराम से ऐसे उठाए टेल की तरफ से और इसका आटा इसे पूरा झटक ले। देखिए इस तरह से, इस तरह से हम दूसरी भी फिश को कोट कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने तवे में तेल गरम कर लिया है। तेल अच्छी तरह से गरम हो चुका है। इसमें हम अब ये फिश इसे आराम से इसमें इधर इसे आराम से डालें। और गैस को हमें लो फ्लेम पर ही रखना है, ज़्यादा फास्ट ना करें वरना हमारी ये जो कोटिंग है वो जल जाएगी। इसे आराम से स्लो फ्लेम पर ही कुक करें। 2 मिनट हमने इसे लो फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से क्रिस्प कर लिया है। एक साइड से हो चुकी है, इसे अब हम पलटाएंगे। आराम से पलटाएं इसे क्योंकि बड़ी फिश है, तेल उड़ सकता है। ये देखिए, इस तरह आराम से हम पलटा लेंगे और इसे दूसरी तरफ से हम 1.5 मिनट तक स्लो फ्लेम पर ही कुक करेंगे। ये देखिए गाइस, मच्छी दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से क्रिस्प हो चुकी है, लेकिन मैं इसे दोबारा से एक बार पलटाऊंगी क्योंकि ये बहुत बड़ी फिश है, बहुत मोटी है, इसलिए हमें इसे दोबारा से एक बार पलटा लेना है ताकि अच्छे से क्रिस्प हो सके। ये देखिए, हम इसे अच्छी तरह से दबाएंगे और इसे पलटा लेंगे। आराम से पलटाएं इसे, इसका तेल बहुत गर्म हो चुका है। ये देखिए, मैंने इसे पलटा लिया है। इसे एक बार अच्छी तरह से प्रेस करके मैं इसका पानी जो भी है थोड़ा सा वो निकल जाएगा और ये क्रिस्प हो जाएगी। ये देखिए, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये देखिए, ये फिश हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, क्रिस्प हो चुकी है गाइज। ये बहुत ही टेस्टी है। मैं आपको बाद में बताना भूल गई थी, अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप चावल का आटे के बदले कॉर्नफ्लोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, इसे मैं प्लेट पे निकाल लेती हूँ। ये बहुत ही लजीज लग रही है गाइज, मेरे मुँह में तो अभी से पानी आ रहा है। ये देखिए गाइज, कितनी क्रिस्पी बनी है हमारी फ़िश। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखिए। बाय।